आपने एटीएम मशीन में लगी एसी तो जरूर देखी होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि एटीएम मशीन में एसी क्यों लगी होती है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे एटीएम अपने ग्राहक को ठंडक देने के लिए एसी लगाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि एटीएम मशीन में एसी ग्राहक को ठंडा देने के लिए नहीं, बल्कि एटीएम मशीन को ठंडा देने के लिए लगाई जाती है। चूँकि एटीएम मशीन में जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रांजेक्शन प्रोसेस के लिए लगा होता है, वो 24/7 घंटे चलता रहता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में लगे माइक्रो प्रोसेसर और अन्य कलपुर्जों की ताप सहने की अपनी एक सीमित क्षमता होती है। इससे ज़्यादा ताप होने पर उनके कलपुर्जों के खराब होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इन सब कलपुर्जों में माइक्रो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है। हालांकि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर अपना एक सर्किट ब्रेकर होता है, जो निश्चित ताप के बाद सर्किट या ब्रेक को ब्लॉक कर देता है, जिसे हम कंप्यूटर हैंग के नाम से भी जानते हैं, जिससे माइक्रो प्रोसेसर या दूसरे कलपुर्जे जलने से बच जाते हैं। अब चूंकि ये मशीन 24 घंटे चलते रहते हैं, तो इनको बार बार हैंग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए ठंडा रखने के लिए एसी लगाया जाता है, जिससे एटीएम सुरक्षित रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।